इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद आप कैसे सॉफ्टवेयर और उसका पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले insidelogicsoftware.com में वेबसाइट में जाइए, वहां पे राइट साइड में लॉगिन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आपका रजिस्टर ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी डालने के बाद लॉगिन पे फिर से क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसके बाद ट्यूटोरियल डाउनलोड करना है। ट्यूटोरियल आपको दो लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है उस लैंग्वेज का ट्यूटोरियल आप डाउनलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एल्बम टेम्पलेट दिए हुए हैं। एल्बम टेम्पलेट हम यहाँ से डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए स्पेशली हमें फोटोसेंस ने थीम डाउनलोडर दिया हुआ है। बाकी का जितना भी कंटेंट है जो एल्बम डिजाइनिंग के साथ काम में लिया जाता है, वो सब कुछ हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मास्क, बैकग्राउंड, स्ट्रोक, क्लिप आर्ट, कस्टम शेप, मॉडर्न फॉन्ट्स और फोटो इफेक्ट्स। फोटो इफेक्ट्स में हमें 6 कैटेगरी दी गई है, सभी कैटेगरी को हम एक के बाद एक डाउनलोड कर लेंगे। इतना करने के बाद फोटोसेंस हम इंस्टॉल करेंगे। फोटोसेंस इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई भी एक ड्राइव लेटर सिलेक्ट करना है। सी ड्राइव में करने से आपका सी ड्राइव फुल हो जाएगा। इस कंडीशन में आप सॉफ्टवेयर डी या ई या किसी भी अलग ड्राइव में इंस्टॉल कीजिएगा, और जिसके अंदर कम से कम 200-250 जीबी की जगह हो, ताकि आप सारे के सारे टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकें। अब आपको थीम कहां से डाउनलोड करनी है, मतलब डिजाइनिंग टेम्पलेट कहां से डाउनलोड करने हैं, वो मैं समझा देता हूं। ये हमारा फोटोसेंस है, यहां पे राइट क्लिक करके हम उसी के लोकेशन में चले जाते हैं जहां अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। वहीं रूट पे हमें फोटोसेंस थीम डाउनलोडर दिया हुआ है। हम फोटोसेंस थीम डाउनलोडर को डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही फोटोसेंस थीम डाउनलोडर स्टार्ट होगा तो यहाँ राइट हैंड साइड में सिलेक्ट टेम्पलेट साइज, जिस साइज के टेम्पलेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस साइज को सिलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी साइज सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से बनने वाली सब साइज आपको यहाँ पे दिखती है। तो ये सब साइज आप देख सकते हैं कि आप जो भी एल्बम बनाना चाहते हैं, जो साइज का एल्बम बनाना चाहते हैं, वो इसमें अवेलेबल है कि नहीं। आप जैसे ही साइज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे के एरिया में आपको उस साइज के टेम्पलेट्स के थंबनेल दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड में डाउनलोड पाथ दिया हुआ है, यहां से आप अपने ओरिजिनल टेम्पलेट्स कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि सारे टेम्पलेट अलग अलग exe मोड में डाउनलोड होंगे, तो उसका पाथ आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो जिस ड्राइव में आपके पास जगह हो वहां पे एज अ बैकअप आप उसका पाथ दे सकते हैं। ये यहाँ पे मेरे टेम्पलेट के थंबनेल लोड हो गए हैं। ये एक लाइन में दो थंबनेल दिख रहे हैं। अगर इस थंबनेल की साइज को हम छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के माउस को अपर साइड में स्क्रॉल करने से ये थंबनेल की साइड छोटी हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड का पाथ सेट कर लेते हैं, मैं डी ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी टेम्पलेट्स हमें डाउनलोड करने हैं उसके थंबनेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हमें सीधा माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है। इसके लिए हमें कंट्रोल या शिफ्ट कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं है। सैंपल के तौर पे मैं यहाँ पे सिर्फ 4 थीम सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा कलेक्शन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये कलेक्शन डाउनलोड होगा तो ऑटोमेटिकली उसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए उसका सेटअप स्टार्ट हो गया है। यहां से आपको सिर्फ ड्राइव लेटर देना है। जिस ड्राइव में आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिए। यहां पे हमने सॉफ्टवेयर ई ड्राइव में इंस्टॉल किया है, इसलिए हम टेम्पलेट ई ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया है। ये दूसरा टेम्पलेट का थीम भी डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह से आप फोटोसेंस थीम डाउनलोडर की मदद से जितने भी थीम आप डाउनलोड करना चाहें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि सारे थीम आप सिंगल सिटिंग में ही डाउनलोड कर लें। जो जो थीम आपके डाउनलोड होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आप दूसरी बार जब थीम डाउनलोडर ओपन करेंगे तो वो थीम आपको बिल्कुल नीचे की लाइन में दिखाई देंगे। हमारा चारों कलेक्शन का डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब यहां पे मैं दूसरी साइज सिलेक्ट करता हूं। ये हमारे दूसरी साइज के भी थंबनेल अवेलेबल हो गए। इसे भी आप उसी तरह जो भी थंबनेल मतलब जो भी थीम आपको पसंद आए उस थीम पे क्लिक करके डाउनलोड कलेक्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे पीएस डेटा के अंदर वेडिंग एल्बम फोल्डर के अंदर हमें सभी साइजें यहाँ पे दिखती है। ये जितनी भी साइजें हमारी इंस्टॉल है इतने कॉम्बिनेशन हमें फोटोसेंस में दिखाई देंगे डिजाइनिंग के दौरान। मटेरियल पूरा हमारा यहाँ पे इंस्टॉल होता है। ये मटेरियल के फोल्डर में देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड्स, ये क्लिप आर्ट, ये फोटो इफेक्ट्स, ये मास्क, फोटो बॉक्स, शेप, स्ट्रोक। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कंटेंट आप डाउनलोड करके एक के बाद एक इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे एक टेम्पलेट कन्वर्टर दिया हुआ है। ये टेम्पलेट कन्वर्टर किस लिए काम करता है? टेम्पलेट कन्वर्टर की मदद से आप अगर डाउनलोड की हुई थीम में से डायरेक्टली पीएसडी सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां पे मैं फोटोसेंस ई ड्राइव में मेरा इंस्टॉल है, मैंने पाथ सिलेक्ट किया। ये वेडिंग एल्बम समझो 12:36 के किसी भी थीम का कोई भी एक टेम्पलेट मैं एज अ पीएसडी स्टोर करना चाहता हूं और उस पीएसडी में से मैं फोटोशॉप में डिजाइनिंग करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। जैसे ये थीम मुझे पसंद है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और डबल क्लिक किया। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस फाइल की पीएसडी ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। इसे मैं डायरेक्ट फोटोशॉप के अंदर ओपन करके भी डिजाइनिंग कर सकता हूं। ये देखिए मेरी पीएसडी फाइल ओपन हो गई है। तो इस तरह से यही थीम आप फोटोशॉप में भी यूज कर सकते हैं और एल्बम सेंस में भी यूज कर सकते हैं। बट फायदा यह है कि आप एल्बम सेंस में डिजाइनिंग करेंगे तो आपकी डिजाइनिंग ऑटोमेशन में होगी। फोटोसेंस में यही काम आपको मैन्युअली करना पड़ेगा।